इलाके में मुगल रोड पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। बता दें कि निर्माण एजेंसी रोड पर बड़े मलबे को हटाने में जुटी हुई है और इसके अलावा पीर की गली में निर्माण एजेंसी द्वारा मशीनों के साथ मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। तो आप तमाम शॉट्स जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये विजुअल्स अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से भारी तादाद में भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है। और वहीं पर मुगल रोड के हवाले से बात करें तो वो भी मुगल रोड के हवाले से बात करेंगे वो भी बंद है और तमाम ये जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर इलेक्शंस भी हैं, उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा डर का माहौल भी है, भय का माहौल भी है कि आखिरकार किस तरीके से पूरी चीज़ें संचालित की जाएंगी, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अभी अगर बात करें तो पुंछ राजौरी में बहुत कम देखने को मिल रही है। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं सुरनकोट से। आकाश बताइएगा एक बार फिर से, मुगल रोड जो है वो बंद हो चुकी है, तमाम रोड कनेक्टिविटी पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, पूरे पीर पंचाल रेंज की रोड कनेक्टिविटी जो है वो जीरो हो चुकी है यहाँ पर। जी सिंपल, राजौरी पुंछ के लोगों का जो एक राबता था कश्मीर के साथ वो पिछले कई दिनों से जो है मुनकता हो चुका है। हालांकि पिछले साल की बात करें, पिछले साल जो है इसी महीने में इस तारीखी मुगल शाहरा को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार की बात करें, इस बार डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसडीएम सुरनकोट की पूरी कोशिशों की वजह से जो है मार्च में इस शाहरा को बहाल कर दिया गया था। कई बार ये शाहरा कई देरों तक चलती रही, बीच में लैंडस्लाइड आई और स्नोफॉल हुई, उसके बाद दोबारा से काम कई बार शुरू हुआ, लेकिन तारीखी मुगल शाहरा एक बार फिर से खुल गई थी। आज की बात करूं, पिछले चार दिन से एक हैवी स्नोफॉल हुई और अवलांच भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और आज सुबह की बात करूं, आज सुबह जो है डुगरिया के मकाम पे एक बड़ी लैंडस्लाइड आने की वजह से जो है एक बार फिर से जो है पुशाला तो डुगरिया वो रास्ता भी कट हो चुका है। डिपार्टमेंट से भी बात की, उनने कहा है कि सबसे पहले ये लैंडस्लाइड गए, सबसे पहले मुगल रोड डिपार्टमेंट के एक्शन से भी बात हुई, उनने कहा था जिस तरीके से परसों भी कहा था तीन दिन लग सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज ये लैंडस्लाइड हुई है लगता नहीं है दो या तीन दिन से पहले इस रोड को डिपार्टमेंट खोल सके। सबसे पहले इस वक्त लैंडस्लाइड का काम जो है डिपार्टमेंट की तरफ से मशीनरी जो है लगा दी गई है, इस लैंडस्लाइड को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही जो है मशीनरी आगे जाएगी। और आगे जो आकाश यहाँ पर इलेक्शंस भी करीब है, हालांकि इलेक्शंस को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तमाम जो इलेक्शन जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा कैंपेन की जाएगी, अलग अलग यहाँ पे प्रक्रियाएं जो है वो देखने को मिलेगी इलेक्शंस के हवाले से। तो ये रोड खुलना, तमाम जो रोड कनेक्टिविटी है एक बार फिर से सुचारू रूप से चलना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रोड के हवाले से करूं मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि पीर पंजाल के लोगों की जो है मशहूर सड़क, जिस तरीके से मैंने पहले भी कई बार बताया और आज भी बताऊं, इलेक्शन सर पे है, जिस तरीके से लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि कंपेन कर लें जो है अनंतनाग से, कुछ लोग इस साइड आ सकते हैं, यहाँ के लोग जो है अनंतनाग भी कंपेन करें, उस हवाले से भी ये बात सामने आई है। लेकिन एक बार फिर एक चीज और भी आज लोगों से बात जब की, उनने ये कहा है कि टनल के हवाले से कि सरकार की तरफ से बड़ी बार कहा गया इस टनल का काम जल्द से जल्द शुरू होगा, तब आज भी इस टनल का काम शुरू नहीं हुआ। अगर ये आज टनल होता तो ये 12 महीने रोड खुली रहती तो इलेक्शन डेफर ना होता। तो लोगों ने ये मांग भी किया कि इस शाहरा पर टनल भी बनना चाहिए। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आकाश मलिक।